हेडिंग डालो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। साधारण भाषा में पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो कॉन्वेक्स लेंसों को एक्सेल कॉन्वेक्स लेंसों का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो सिंपल, दो कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, वो भी को एक्सेल, जिसमें जिधर ऑब्जेक्ट के साइड रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आंख के पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं आई पीस। तो हिंदी बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेत्रिका, और इसको बोलते हैं अभिदृश्यक। तो जो ऑब्जेक्ट के साइड होता है उसको बोलते हैं हम लोग नेत्रिका, सॉरी ऑब्जेक्टिव हिंदी बोलते हैं अभिदृश्य, और जो आंखों के पास होता है उसको बोलते हैं हम लोग आई पीस। और क्या करते हैं कि हम लोग इस तरह से ऑब्जेक्ट को लिखते हैं कि इसका फोकल लेंथ छोटा हो, आगे वाले का फोकल लेंथ ऑब्वियस बात ही छोटा होगा, एपर्चर क्या होगा छोटा, पीछे वाले का फोकल लेंथ कंपेरेबल होगा और पीछे वाले का जो फोकल लेंथ एपर्चर होगा वो बड़ा होगा। सर छोटा फोकल लेंथ क्यों रखा जाता है? छोटा फोकल लेंथ मैग्नीफिकेशन ज़्यादा करने के लिए रखा जाता है। सर इसका एपर्चर छोटा क्यों रखा जाता है? तो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अब मान लो हम इस पॉइंट को देखना चाहते हैं और पूरे बोर्ड को देखेंगे तो हमें पॉइंट ढंग से नज़र नहीं आएगा। तो अगर हम पूरे बोर्ड के बदले इस वाले रीजन को देखेंगे तो हमें ये पॉइंट ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। इसलिए सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है कि हम ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स का अध्ययन करते हैं, ब्लड के अंदर ऑर्गेनिज्म है या नहीं है उसका इंस्पेक्शन करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, तो हमें छोटे छोटे अति सूक्ष्म चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अति सूक्ष्म चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग छोटे लेंस का यूज़ करते हैं, बड़ा लेंस का नहीं। बड़ा लेंस का यूज़ करेंगे तो हमें खो जाएगा वो ऑब्जेक्ट है कहाँ। इसलिए हम लोग संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस ऑब्जेक्टिव के पास, ऑब्जेक्ट के पास होता है, वस्तु के पास होता है, उसको हम लोग अभिदृश्यक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और उसका फोकल लेंथ छोटा रखते हैं और उसका साइज भी क्या होता है छोटा, इसका फोकल लेंथ कंपेरेबल रखते हैं और साइज क्या होता है अपर्चर बड़ा होता है। फाइनल इमेज ये बनाते हैं, ये एक बार उल्टा इमेज बनाते हैं। कैसा इमेज बनाते हैं? फिर उसका उल्टा इमेज कौन बना देता है? उसका उल्टा नहीं, उसका सीधा इमेज कौन बनाता है? ये वाला आईपीएस। इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट का दो बार मैग्नीफिकेशन होता है। हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि मैग्नीफाइंग पावर जो आएगा वो मैग्नीफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन बाई आईपीएस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ करेंगे, घबराने वाली बात नहीं। फिर हम लोग इसके लिए फॉर्मूला निकालेंगे। अब इन दोनों लेंस के बीच में जो लेंथ होता है इसको हम लोग नाम देते हैं ट्यूब लेंथ। क्या नाम देते हैं? ट्यूब लेंथ। तो याद रखना है ट्यूब लेंथ क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज नोन एज ट्यूब लेंथ। कभी कभी हम लोग देखेंगे कि ट्यूब लेंथ को वी नॉट के बराबर रख दिया गया है और यहाँ के ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के बराबर रख दिया गया है, इसके तो जस्ट फोकस के जस्ट आउटसाइड रखा जाता है वस्तु को, फोकस के जस्ट आउटसाइड। फोकस पर रहेगा तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बहुत बड़ा तो बनेगा लेकिन कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी में। जस्ट फोकस और 2F के बीच में रखने के लिए फोकस के जस्ट आउटसाइड रखा जाता है। फोकस के तहत, फोकस के जस्ट आउटसाइड लिखने का फायदा होता है कि इन्फिनिटी के जस्ट पीछे बनता है क्या, और बनना चाहिए इनफाइनाइट हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड बनता है और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन महत्तम आवर्धन बनता है। चलो तो सिंपल से भाषा में आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जिसका एक्सिस सेम होता है इसलिए इसको कोएक्सल बोलते हैं, एक का फोकल लेंथ छोटा रखते हैं, एक का फोकल लेंथ मॉडरेट रखते हैं, मतलब बड़ा नहीं रखते मॉडरेट, और इसका अपर्चर छोटा होता है, जो ऑब्जेक्ट के साइड होता है उसका अपर्चर क्या होता है छोटा, और जो आंखों के पास होता है उसका अपर्चर क्या होता है बड़ा होता है। अपर्चर मतलब यहाँ का डायमीटर, ये द्वारा, ये वाला,
इसका छोटा होता है, इसका क्या होता है बड़ा होता है। हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ हैं, तो छोटे वाले लेंस के फोकस के जस्ट आउटसाइड, यहाँ पर इमेज सर्टेन डिस्टेंस बनेगा। और इसको एडजस्ट करके, जैसे आपको टेलीस्कोप में बताया गया नॉब होता है आगे जाने का पीछे जाने का, उसी तरह नॉब होता है, एडजस्ट करके हम लोग इस तरह से आप लाते हैं कि जो इसका इमेज बना कि ये इसके फोकस के क्या आ जाए अंदर। और फिर हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा गंदा सा रे डायग्राम होगा, दो दो बार इमेज का फॉर्मेशन करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रे डायग्राम होगा, लेकिन हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। और डेफिनेशन में कुछ नहीं होता, इट इज अ पेयर ऑफ टू कॉन्वेक्स कोएक्सियल लेंसेज हैविंग कंपेरेबल फोकल लेंथ एंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज लेसर विद रिस्पेक्ट टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस एंड अपर्चर ऑफ फोकल लेंथ इज ऑब्जेक्टिव इज लेसर देन विद रिस्पेक्ट टू अपर्चर ऑफ आईपीस एंड बोथ कंबाइंडली फॉर्म द हाईली मैग्निफाइड इमेज। दोनों संयुक्त रूप से बहुत आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। और जब हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे तो इसका आवर्धन ओ फॉर ऑब्जेक्टिव ई फॉर आईपीस, ओ मतलब अभिदृश्यक ई मतलब नेत्रिका, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या होगा प्रोडक्ट होगा। अगर ये चार गुना बनाता है और ये पांच गुना बनाता है तो मैग्निफिकेशन कितना गुना हो जाएगा, तो 20 गुना। कितना गुना, हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, इसमें टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें कोई भी डिवाइस पढ़ते हैं, 5 नंबर पूछता है भाई साहब, याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब भी पूछता है 5 मार्क्स में, इसमें 2 मार्क्स में आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब पूछेगा तो आपको कितना नंबर में पूछेगा, 5 मार्क्स में। बारिश नहीं होता तो हम तो आज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बता देते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे रहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कल बताएंगे। और साथ ही साथ हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन पे भी चलेंगे, ह्यूमन आई पढ़ेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपको ह्यूमन आई से रिलेटेड बताया जाएगा, और फिर हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन भी पढ़ेंगे। चलो तो सबसे पहले हेडिंग क्या डाला है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखिए तुम इंग्लिश मीडियम वाले लिखे बड़ा अच्छा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द पेयर ऑफ टू कॉन्वेक्स कोएक्सियल लेंसेज, हैविंग डिफरेंट अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, Okay. These lenses are used to form the highly magnified image. Okay. चलो हिंदी मीडियम में लिखो तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दो समाक्षी उत्तल लेंसों का ऐसा संयोजन होता है जो अति सूक्ष्म वस्तुओं का अति आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है अति सूक्ष्म वस्तुओं का अति आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। पूर्ण विराम के बाद देखना,
इन लेंसों की द्वारक भिन्न भिन्न होती है तथा फोकस दूरी छोटा होता है तथा फोकस दूरी छोटा होता है हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग बनाएंगे रे डायग्राम। क्या बनाएंगे? रे डायग्राम। रे डायग्राम ध्यान से देखिएगा क्योंकि रे डायग्राम कॉम्प्लेक्स है इसका। सबसे पहले हम लोग छोटा लेंस लेंगे और इसका फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा। अच्छी बात है, छोटा ही होगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जस्ट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट रहते हैं ए बी, इसको मान लेंगे हाइट एच, मान लेंगे हाइट क्या मान लेंगे एच, जस्ट आउटसाइड फोकस पे रहता तो कहाँ पर बनता? इन्फिनिटी पे। और फोकस इसके बीच में रहता तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी बनता। लेकिन अब ये रियल बनेगा। क्या बनेगा? एक लाइट ऐसे जाएगी तो किससे होके गुजरेगी? फोकस से। और दूसरा क्या? ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी। कोशिश करें इसको कहीं ना कहीं मिला देने का। और हम लोग इसको मिलाएंगे। बने कुछ आगे मिले, मिल गया। वास्तव में मिलता सबको थोड़ा सा, यहाँ पर बना और यहाँ पर ए डैश बी डैश बना। इसका हाइट मान लो एच डैश। हाइट क्या मान लो? एच डैश। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा आई पीस है, क्या है? आई पीस। इसका अपर्चर क्या होता है? बड़ा होता है। इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि हमारा फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। किसके अंदर आ जाए? फोकल लेंथ के अंदर। अब फोकल लेंथ के अंदर आएगा तभी तो तुम्हें भी पता है कैसा प्रतिबिंब बनता है। बोलो, फोकल लेंथ के अंदर रहता तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? अब वस्तु की ही तरफ बनता है कि कहीं और? वस्तु की तरफ ही बनता है। कैसा बनता है? ठीक है, तो हम लोग इसका दो तरह से रे डायग्राम है। एक ऐसे बना दें जैसे इमेज से अलग एक्स्ट्रा रे डायग्राम चलेगा। और ये क्या हो गया? फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी। लगभग पैरेलल हो गया। तो फोकस वाले को क्या करना? फोकस वाले कैसे बना देना और ऑप्टिकल सेंटर वाले को ऐसे बना देना। फिर लाइट के आगे मिलेगी नहीं तो हम पीछे कहीं ना कहीं मिलाएंगे और पीछे कहीं इमेज जो बनेगी। अच्छा, पीछे जो इमेज बनेगी तो जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसे ही बनेगी। तो फाइनल जो इमेज यहाँ पर कहीं बनता है एच डबल डैश वाला, बी डबल डैश, ए डबल डैश, ये इमेज कैसा बनता है पहले बताओ। अरे बहुत बड़ा, छोड़ो, इन्वर्टेड बन। अच्छा, रियल है कि वर्चुअल? ऐसा है। और इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है? यही एक केस बनता है जिसमें ऑप्शन में आता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। क्या क्या? हर जगह वर्चुअल के साथ क्या होता है? इरेक्ट। और रियल के साथ इन्वर्टेड। लेकिन ये क्या है? वर्चुअल है लेकिन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है? इन्वर्टेड। इसके रेस्पेक्ट में नो डाउट इरेक्ट नहीं आया लेकिन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में क्या है? इन्वर्टेड। क्या है? इन्वर्टेड। कहानी समझा या नहीं समझा? अब रे डायग्राम साफ सुथरा आपको एनसीईआरटी से बनाना है। यहाँ से रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारा चीज़ एंगल को रिलेट करते हुए प्रूफ करना है। रे डायग्राम आप बनाएंगे कहाँ से? एनसीईआरटी से बेहतर रहेगा।
यहाँ बनाएगा रबर कर ले देगा। यहाँ क्या है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, आई के पास है तो आई पीस, आई पीस को हम लोग क्या नाम देते हैं हिंदी में, नेत्रिका। अच्छा, ऑब्जेक्ट के पास जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑब्जेक्टिव, हिंदी में अभिदृश्य। ओके, जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उसको आप U मान लीजिए, तो U नॉट क्यों लिख रहे हैं, O फॉर ऑब्जेक्टिव, U O, और जितना दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसको आप V मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी आपकी क्या हो जाएगी, V की V नॉट। हम इस तरह से एडजस्ट करने का कोशिश करते हैं कि बाद में, अच्छा मान लेते हैं हमारा ये वाला फोकल लेंथ के अंदर आ गया, तो ये वाला जो दूरी है U इंटू E, कितना है दूरी U, जो फोकल लेंथ पे एग्जैक्ट रखता तब हम लोग FE कह पाते हैं। इसका जो फोकल लेंथ आएगा हम FE से डिनोट करेंगे, इसका जो फोकल लेंथ आएगा इसको F नॉट से डिनोट करेंगे, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, फाइनल जो इमेज बन रहा है वही फाइनल जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ पर थीटा है, वही एंगल क्या है, थीटा। तो फाइनल एंगल बनाए फाइनल इमेज तब, चाहे एच डैश बनाए तब, बात बराबर क्या लग रही, बात बराबर है बोलो नहीं। तो ये है आपका रे डायग्राम, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रे डायग्राम है, इसमें दो बार रे का रिफ्रैक्शन होता है, एक फर्स्ट लेंस के थ्रू जिसमें रियल फर्स्ट लेंस जो बनाएगा ये में रियल एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड तो बनाता है लेकिन ये क्या होता है रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, सेकेंड लेंस बनाएगा वो क्या होता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, क्या होता है माइक्रोस्कोप में एक ऐसा केस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें वर्चुअल के साथ क्या बनता है इन्वर्टेड, नहीं तो वर्चुअल के साथ हमेशा क्या बनता है इरेक्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए मैं बार बार प्रेशर करके बोल रहा हूँ याद रखना, ठीक। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा इमेज जो बनता है वर्चुअल के साथ साथ क्या होता है इन्वर्टेड, हर जगह वर्चुअल के साथ क्या होता है इरेक्ट, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल के साथ क्या होता है टेंशन वाली कोई बात। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इतना रे डायग्राम बनाने के बाद हमारा आ जाता है वही कहानी मैग्निफिकेशन डिराइव करना, क्या डिराइव करना मैग्निफिकेशन। चलिए मैग्निफिकेशन हम लोग डिराइव कर रहे हैं, पहले मैग्निफिकेशन होगा क्या, मैग्निफिकेशन कहेगा कि द एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज थीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट बी, है ना। तो आप दूसरे शब्द में क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बोल टैन थीटा अपॉन टैन थीटा नॉट, कैसे कहेंगे टैन थीटा का वैल्यू, आप ध्यान से देख के बताओ टैन थीटा, तो रुक जाओ टैन थीटा के वैल्यू परपेंडिकुलर कौन है और बेस बोलो जैसे बोलो ना कहाँ से तुमको यो नजर आ रहा है, बेस ए यो है यू ई है, क्या है यू ई, तो बोलो क्या लिखें ए डैश कहाँ पे एच डैश है, ये क्या है एच डैश हाइट कंसिडर किया गया ना, तो क्या लिखेगा एच डैश अपॉन यू बी, और टैन थीटा नॉट तो सिंपल है तुम्हें पता है कितना होता है बोलो, डी भाई ऑब्जेक्ट हो गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच मान लेना है, और ये कितना दूरी होता है डी, तो बोलो ए भी ना मानते हुए हाइट ऑफ क्या मान लेना ऑब्जेक्ट, ये भी होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच है, कितना दूरी पर होता है तो बताओ कितना होगा टेन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर एच बाई डी। अब हम लोग क्या करते हैं इसको एच डैश बाई एच एक साथ लिखते हैं इन टू डी बाई यू एक साथ, दिक्कत तो नहीं। अब एक चीज बताओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अब एक चीज बताओ मुझे, एक कल बताया था कहाँ से लिखा जाता है थीटा नॉट, क्या होता है जब वस्तु उसी वस्तु को एच हाइट के वस्तु ए बी को डी दूरी पर, डी बोले तो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन,
रखा जाता है तो जो एंगल बनता है वही थीटा नॉट होता है, वही क्या होता है थीटा नॉट। इसलिए परपेंडिकुलर यहाँ पर हाइट h और क्या लिया गया d, तो यही लिखा गया थीटा नॉट का वैल्यू h बाई डी। अब ये देखो, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो तो तुम जानते हो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई फर्स्ट केस में h डैश क्या है, प्रतिबिंब है कि कुछ और है, और h क्या है, वस्तु है कि कुछ और है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई तथा d बाई यू हम लोग क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव होने मैग्निफिकेशन बाई आई पीस, बोलो ना जी क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव गुने मैग्निफिकेशन बाई आई पीस, कोई दिक्कत वाली बात बोलो नहीं, नहीं है। सिंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हैं वी बाई यू, नहीं जानते हैं तो मैग्निफिकेशन का मैग्निफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट। क्यों वी नॉट बाई यू नॉट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है कि आई पीस का है, और इसका फॉर्मूला अभी फॉर्मूला के तौर पे लिखेंगे डी बाई यू डी, ये मेन फॉर्मूला हो गया। इसमें भी दो केस होगा, फॉर रिलैक्स मोड और फॉर स्ट्रेस मोड, कौन कौन मोड, फॉर रिलैक्स मोड एंड फॉर स्ट्रेस मोड। मैं एक बार फिर से इसको समझा देना चाहूँगा कि ऑनलाइन है, और ये 5 नंबर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है पता, सिंपल थीटा सब्सटेंडेड बाई फाइनल इमेज अपॉन एंगल सब्सटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट एट डी, फिर इसी को टैन थीटा के बदले लिख सकते हैं कि टैन थीटा बाई टैन थीटा नॉट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट में, टैन थीटा हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि जो फाइनल इमेज जो एंगल सब्सटेंड करेगा वही ये वाला इमेज एंगल सब्सटेंड करेगा, तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एच डैश और बेस कितना है यू ई। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच डैश अपॉन यू ई, और टैन थीटा नॉट जो नीचे है वो आपको बताया गया था कल मैग्नीफाइंग पावर बताया गया था, तो ये हमेशा जो वस्तु को जब हम लोग डी दूरी पर रखते हैं तो जो एंगल बनता है उसी को थीटा नॉट बोलते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर एच और क्या लिखेंगे डी, अब एक्सचेंज कर लेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू हो जाएगा h डैश बाई एच इन टू डी बाई यू। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैग्निफिकेशन किसका मैग्निफिकेशन हो गया, तो ऑब्जेक्टिव का जो मैग्नीफाइंग पावर है वो मैग्निफिकेशन किसका हो गया, ऑब्जेक्टिव का और इन टू सॉरी आई पीस का, अरे होगा एक फॉर्मेट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सिंस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी बाई यू, देयरफॉर हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखेंगे वी नॉट बाई यू नॉट और इन टू में डी बाई यू ई। इसका दो अलग अलग केस होगा, ये फॉर्मूला हो गया फाइनल, इसका दो अलग अलग केस होगा, एक रिलैक्स मोड के लिए होगा और एक केस के लिए होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं केस नंबर वन कौन सा मोड, रिलैक्स मोड। रिलैक्स मोड में क्या होता है, इमेज फॉर्म्स एट इन्फिनिटी, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने, उस केस में हमें फिर से लेंस फॉर्मूला यूज करना है, 1/v - 1/u = 1/f, तो 1/v इन्फिनिटी में बनना है -1/-ue = कितना 1/f, तो 1/ue का वैल्यू कितना हो गया 1/f, तो ue का वैल्यू कितना हो गया f, और f आई पीस का होगा कि ऑब्जेक्टिव का होगा, बोलो आई पीस का। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा नेक्स्ट मिनट, बस बोलो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v नॉट अपॉन यू नॉट इन टू में डी बाई एफ ई, डी बाई यू था ना, तो कौन से मोड के लिए होते हैं, रिलैक्स मोड के लिए, कौन सा मोड के लिए, ठीक है। एक बात और इसमें, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत नज़दीक रखते हैं
फोकल लेंथ के, इसके फोकल लेंथ के बहुत नजदीक जस्ट आउटसाइड रखते हैं, तो ये फोकल लेंथ किसका हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव तक कुछ और बोलो, किसका फोकल लेंथ देख सकते हैं? किसको? यू को भी कुछ और को बोलो ना। और हम लोग ये मान लेते हैं कि जब इसके फोकस पे बिलोंग करता है, यहाँ से यहाँ तक यू लेंथ होगा कुछ और बोलो, वी नॉट हम लोग कह देते हैं कि जो हम लोग इमेज बना रहे हैं वी नॉट, वो जस्ट इसके पोल के जस्ट पहले बना रहे हैं, इसके फोकस के अंदर ही रखना है ना। हम अंदर कहाँ तक जा सकते हैं? पोल तक हम अंदर कहाँ